हेलो सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बारवाटी पब्लिक इंटर कॉलेज डिजिटल क्लासेस। और मैंने आप लोगों को कल रिवीजन के लिए चैप्टर रीडिंग करने को दिया था, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। हमारे न्यू चैप्टर का नेम है एनिमल फाइबर या अंतः रेशे, यानी जंतुओं से रेशे, जंतुओं से मिलने वाले रेशे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जांतव रेशे यानी एनिमल फाइबर क्या होता है, इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। आज आपने और आपके मित्रों से कौन कौन से वस्त्र पहने, क्या आप दोनों ने एक जैसे ही वस्त्र पहने हैं? नहीं, हम भिन्न प्रकार के पहनते हैं। हम ये वस्त्र कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमारे वस्त्र कौन से बनाए जाते हैं? रेशे मीन्स फाइबर्स। रेशा मुख्य रूप से अर्थ का धागा होता है। वी नो डेट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, सभी चीजें मैटर से बनी होती हैं। तो हमारा जो फाइबर है, जिस शर्ट को हम पहनते हैं, जिस ट्राउजर को हम पहनते हैं, जिस स्वेटर को हम पहनते हैं, जैकेट को हम पहनते हैं, वो सभी धागे यानी फाइबर से बने होते हैं। रेशे आधारित रूप से कच्चे पदार्थ हैं। और विशेष ध्यान देने वाली बात है, द स्पेशल टॉक अबाउट इज कि जो हमारा फाइबर होता है वो एक रॉ मटेरियल होता है। विभिन्न मौसम के अनुरूप पहने जाने वाले वस्त्रों को बनाने के लिए प्रयोग वाले प्राकृतिक पदार्थ मानव निर्मित होते हैं। और हम जानते हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं बाजार में, जिनको हम सिंथेटिक फाइबर्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे टेरिकॉट है, पॉली है और टेफ्लॉन है। ये सभी प्रकार के जो हमारे रेशे होते हैं, जिनका हम गर्मियों में बारिश में यूज करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं एनिमल फाइबर्स के बारे में। एनिमल फाइबर्स क्या होता है? वी हैव लर्नड इन द क्लास दैट वी ऑब्टेन कॉटन। कॉटन हमें पेड़ से मिलता है, जूट हमें पेड़ से मिलता है, एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। तो पेड़ से वाले प्लांट्स फाइबर हो गए दो एग्जांपल, कॉटन और जूट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूत और जूट। ये प्लांट से मिलने वाले हैं, यानी पौधे मिलने वाले रेशे। पौधों से मिलने वाले रेशे आगे हम समझेंगे। इसमें दिया हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे, ऐसे रेशों के बारे में पढ़ना है जो हमें एनिमल से मिलते हैं। दीज फैब्रिक प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट हीट। ये जो फैब्रिक होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो हमें जानवरों से हैं, जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, ये हमें गर्मी से बचाते हैं, ये हमें कोल्ड यानी सर्दी से बचाते हैं, रेन यानी बारिश से बचाते हैं, डस्ट यानी से बचाते हैं, और इंसेक्ट यानी कीड़ों से बचाते हैं। तो जो हमारे कपड़े पहने, उन कपड़े पहनने का जो सबसे बड़ा मोटो है, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ये हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, कीड़े और धूल से बचाती है, और हमारे मानव शरीर को क्या करती है, सुरक्षित रखती है, हमारी ह्यूमन बॉडी को रखती है। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, वूल और सिल्क। एनिमल फाइबर्स के बारे में जब बात करें, तो इसके लिए हम बात करेंगे वूल, ऊन की जो भेड़ से मिलती है, और सिल्क जो हमें एक इंसेक्ट से मिलती है, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं रेशम। रेशम का कपड़ा एक कीड़े से बना जाता है, कीड़ा बना रेशम का फाइबर, और इससे हमें रेशम का सिल्क का कपड़ा मिलता है। ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, शीप यानी भेड़, और आगे दिया गोट, बकरी, याक, जिसे आप जानते हैं एक भैंसा होता है जो लद्दाख या लेह में ठंडी जगहों पर पाया जाता है, कैमल यानी ऊंट एक्सेट्रा। वाइल सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्लेवरी सीक्रेशन ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी जो सिल्कवॉर्म होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, वो अपनी लार से यानी सलाइवा एक बनाता है, सलाइवा को सीक्रेट करता रहता है, उसका रिसाव होता रहता है, उससे वो शहतूत के पेड़ पे रेशम का कीड़ा बन जाता है। इतना आप लोग पढ़े, उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। इसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन से जानवर जो हमें एनिमल फाइबर देते हैं, भेड़, बकरी, खरगोश और याक। ओके।